एकदम बढ़िया से दर्शन होने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन की ओर। आज जो यहाँ पे दर्शन हुए ना, मुझे लगता नहीं किसी के आज तक हुए रहेंगे। इतनी अच्छी तरह से, इतने पास से, थोड़ी भी गर्दी नहीं, थोड़ी भी धक्का मुक्की नहीं, एकदम आराम से शांति से दर्शन करने मिले। और अभी करके हम जा रहे हैं अपनी दूसरी मंजिल, आज का जो दूसरा डेस्टिनेशन है प्लस वैली, वहाँ के लिए निकल पड़े हैं। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। और जैसे पाली से निकलोगे प्लस वैली जाने के लिए, तो एक 4 किलोमीटर चलोगे तो 2 रास्ते जाएंगे, एक सीधा एक राइट। तो आपको राइट मारना है प्लस वैली के लिए, तामिनी घाट के लिए। सीधा वाले रास्ते पे नहीं जाना है। प्लस मारोगे, थोड़ा सा चलोगे और सामने सुंदर सुंदर आपको पहाड़ियाँ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी सी दूर है वो पहाड़ है, इसलिए यहाँ से दिखती है, बाकी है बहुत दूर यहाँ से। और 44 किलोमीटर हमारी मंजिल जहाँ हम जा रहे हैं। लगी है भूख जोरों की, तो फिर एक बार नाश्ता करने के लिए रुक गए। जाते हैं थोड़ा पेट पूजा करते हैं, सुबह में नाश्ता किया था, उसके बाद नाश्ता नहीं करें। तो अभी नाश्ता अपना रेडी है। कोलार 24 किलोमीटर, भीरा 6 किलोमीटर, पाटनोस 3 किलोमीटर, और यहाँ से देवकुंड वाटरफॉल है खाली 6 किलोमीटर। तो सोचा इतनी दूर आए हैं तो एक देवकुंड के गर्मियों के सीज़न में दर्शन कर लेते हैं। तो फिलहाल जा रहे हैं वहाँ पे, वो करने के बाद जाएंगे प्लस वैली। और ये देखिए सामने पहाड़ियाँ, पूरा वाइट वाइट धुआ है, तो पता नहीं कैमरे में कैप्चर होती रहेगी या पता नहीं, लेकिन आँखों से तो दिख रही है ये पूरी सामने, ये पूरा घाट सेक्शन। तो चलो देवकुंड पे जाते हैं, वहाँ मिलते हैं। फिलहाल हम पहुँच गए देवकुंड का जो नीचे गांव है भीरा गांव, और ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव। और ये पहाड़ियाँ अभी देखने में इतनी सुंदर लग रही है, तो ये मानसून में तो क्या बताएं इसके जलवे। ये देखिए चारों तरफ पहाड़ियाँ, और यहाँ पे ऊपर देवकुंड। अभी इतनी गर्मी में इतना प्यारा मौसम है यहाँ पे, और ये पहाड़ी इतनी सुंदर लग रही है मानसून में, तो क्या बात होगी। आएंगे मानसून में भी आएंगे, एक विजिट देंगे। सीन ऐसा है, अभी हमने देवकुंड को नीचे से ही पैर पड़ के प्रणाम कर लिया, क्योंकि पानी बहुत ना के बराबर है, और 3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है जो इस धूप में होनी पॉसिबल नहीं है। तो हमने हमारा प्लान चेंज किया, हम जा रहे हैं अभी प्लस वैली देवकुंड को किया, राम राम, मानसून के सीज़न में आएंगे। अभी हमने मार दी पलटी, रास्ता देख लिया, तो फिर नेक्स्ट टाइम आने के लिए दिक्कत नहीं पड़ेगी। इसके लिए नीचे से पैर पड़ के हम निकल रहे हैं। गर्मी में ठंडी, ठंडा ठंडा कूल कूल कलिंगर वाटरमेलन, कलिंगर खाओ गर्मी भगाओ, साथ में थोड़ा पुण्य भी कर दो गाय माता। जो पहाड़ हम इतनी देर दूर से देख रहे थे वो पहाड़ के ऊपर आ गए, और पता भी नहीं चला। वो नीचे इतने वहाँ थे हम नीचे, और बातों बातों में ऊपर आ गए, एकदम गोल गोल ऐसे
स्लो में घाट बनाया है, पता ही नहीं चलता कब हम घाट चढ़ गए। देखिए फिर अब उस पहाड़ से इस पहाड़ पे आ गए, क्या बात। मानोगे नहीं इतनी गर्मी में यहाँ पे ठंडी हवा लग रही है, और सिर्फ हम हमारी मंजिल से 1 किलोमीटर की दूरी पे। हमें ऊपर से तो दिख गई है, ये रही नीचे वैली, बस वहाँ पे उतरने का रास्ता थोड़ा सा आगे है, वहाँ जा रहे हैं। और मई के महीने में यहाँ ठंडी हवा लग रही है दोपहर के 12 बजे, ये बड़ी बात है। ये नेचर का कमाल है, झाड़ियाँ चारों तरफ, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। कौन सा गाड़ी? फाइनली प्लस वैली के स्टार्ट पॉइंट पे पहुंच गए। ये रहा वो मंदिर जहाँ से हमें स्टार्ट करनी है, जंगल में से नीचे वैली की तरफ जाना है। कभी आई नहीं है, पहली बार जा रहे हैं। बंदर बहुत सारे हैं तो थोड़ा डर लग रहा है। ये देखिए बंदर कितने सारे हैं यहाँ। हमें किसी को छेड़ना नहीं है। जय श्री राम। आज रामनवमी है, राम का नाम लेके हम आगे से निकलते हैं। इतनी गर्मी का सीजन है लेकिन यहाँ पे मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देख रहे हो जंगल, सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं आ पा रही। भाई रास्ता किधर से है? प्लस वैली तो हमें मिल गई नीचे, लेकिन नीचे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। कोई आया नहीं है बहुत टाइम से, तो पूरा जंगल हो गया है और कहीं पे रास्ता ही नहीं है, सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। अब ऊपर जाके और कोई रास्ते से देखते हैं नीचे जाने मिले तो, वरना फिर प्लस वैली को भी यहीं से राम राम। ये देखिए परफेक्ट रास्ता इसका ढूंढना पड़ेगा नीचे जाने का, जो हमें पता नहीं है। ये देखिए कितना फिर वहीं बाहर जाते हैं, वहां से देखते हैं और कोई रूट मिलता है तो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ये देख लीजिए इस जंगल में से उतरे हैं यहाँ तक और अभी नीचे तक जाना है। कोशिश कर रहे हैं अगर जा पाएंगे तो ठीक है, वरना तो फिर वापस चलेंगे पाली हो गए नेक्स्ट टाइम। ये देखो पूरा जंगल भाई, पीने लायक है क्योंकि किधर 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 से ना झरना पड़ा उसको। फाइनली वी आर रीच टू आवर सेकंड डेस्टिनेशन प्लस वैली। ये सामने जंगल दिख रहा पूरा, वहाँ से हम आए ये रास्ते से। कैसे आए हमें पता है, ये पूरा यहाँ से पानी आता है, झरना पूरा सूखा पड़ा है, पता नहीं ये पानी कहाँ से आ रहा है। ये मस्त है देखो, यहाँ पानी भरा हुआ है और एक यहाँ जहाँ हम थोड़ी देर बाद स्नान करेंगे इसमें। हाँ ये है प्लस वैली, यही पानी है जो आगे देवकुंड वाटरफॉल में जाता है और देवकुंड बन के जो मानसून के सीजन में हम एंजॉय करने जाते हैं यहीं से वो पानी गुजरता है और देवकुंड बनता है। बोलते हैं ना फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कर्म करना चाहिए। हमने कर्म किया तब जाके यहाँ पे पहुँचे हैं। ये है प्लस वैली, इतनी गर्मियों में पहुँचे हैं।
पानी में। ये क्या कर रही है हमें पता नहीं, लेकिन कुछ तो कर रही है। अभी सब अलग अलग, ये लगता है अरे ये लोग ने उसको पकड़ लिया, वो उड़ने वाले को। ये देखो एक का खेल खत्म कर दिया। अब देख लीजिए ये प्लस वैली में नीचे आने के लिए कितनी मगजमारी थी। और ये दिख रहा आपको, ये वो बंदर चढ़ गया ऊपर, अब मेरी बारी है। खड़े पत्थर है हो रहा, और वो जंगल, पत्थर के बाद जंगल पार करना है, उसके बाद रोड आएगा। चलो तो ऊपर मिलते हैं। जो टफ पार्ट था उसको पार कर लिया, अब थोड़ा ही है लेकिन है। बहुत प्यास लगी है। ये रूट रायगढ़ से आता है, तो अगर आप रायगढ़ से आ रहे हो और आपको प्लस वैली जाना है तो लेफ्ट साइड पे ये सोम साईश्वर मंदिर आएगा, सोम साईश्वर। तो यहाँ से लेफ्ट से, यहाँ से अंदर से रास्ता है। और अगर आप पूना से आते हो सामने के साइड से तो आपको राइट साइड में पड़ेगा। तो ये मेन जो स्पॉट है मंदिर का, यही एक लैंडमार्क है अगर प्लस वैली में आना है तो, अदरवाइज़ आपको नीचे उतरने का रास्ता नहीं मिलेगा। वैसे भी रास्ता बहुत टफ है नीचे जाने का, लेकिन ये मंदिर मेन लैंडमार्क है, यहाँ से आओगे तो आपको सही से रास्ता मिल जाएगा। ओके, और हम अपने घर की ओर जाते हुए नीचे थी प्लस वैली राइट साइड में। और ये प्लस वैली के एंट्री का और एक पॉइंट है, ये जो बैठने का झाड़ बना हुआ है यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हो, ये रहा नीचे जाने का। लेकिन हमने जो मेन स्पॉट था पानी का वही किया, नीचे तक नहीं गए क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। इसके लिए जो मेन स्पॉट था जहाँ पे पानी था, हमने जहाँ पे स्नान किया हम खाली वहीं तक थे, आगे ज़्यादा नहीं गए। यहाँ से भी जा सकते हो, आगे हमने जो बताया वहाँ से भी जा सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। दो पहाड़ों के बीच में से आज की राइड हुई पूरी। अब हम चले अपने घर की ओर। दो डेस्टिनेशन हमने अचीव कर ली है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ना अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। चलो टाटा, टेक केयर, बाय।